और सबसे पहले हमें बताने हैं वो पांच मंत्र जो आपको जपने हैं, जो आपको पढ़ने हैं निवेश शुरू करने से पहले। और धीरेन्द्र बिना वक्त बर्बाद किए मैं चाहूंगा आप फ्लोर पर आ जाएं और वो पांच चीजें मैं गिना दूं जो धीरेन्द्र हमेशा बोलते हैं कि कर लीजिए निवेश करने से पहले, और फिर समझेंगे धीरेन्द्र से आज कि क्या क्या उसके तरीके हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात तो अपना टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए। ये क्या है टर्म इंश्योरेंस, ये पूछने वाले हैं अभी हम, बने रहिए शो पर। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए अपना, यानी मेडिकल जो खर्चे होने वाले हैं उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। आजकल इनकम प्रोटेक्शन के स्कीम भी आने लगी हैं, इसलिए हम सैलरी इंश्योरेंस उसे बोल रहे हैं, लेकिन कितने महीने के लिए, कितनी इंश्योरेंस, क्या क्या, ये सब पूछने वाले हैं धीरेन्द्र से हम अभी। और इसके अलावा दो और बातों का ध्यान रखें, अपने पुराने कर्ज आपको ख़त्म करने हैं, कैसे ख़त्म करने हैं प्लान करिए। और आपको अगर कोई पुराना छोटा मोटा निवेश है घर का, या पहले आपको अपने परिवार से मिला है, उस पर क्या करना है, ये सब सेट कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से निवेश की यात्रा आपकी हो सकती है। तो ये टर्म इंश्योरेंस की क्या टर्म है धीरेन्द्र, टर्म इंश्योरेंस क्यों चाहिए, ये सब हमें बताइए। टर्म इंश्योरेंस सबसे प्लेन लाइफ इंश्योरेंस है। आपको कुछ हुआ तो आपके परिवार को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, एक फाइनेंशियल फॉलबैक होगा, और कुछ नहीं हुआ तो ये पैसा डूब जाएगा। ये खर्चा है, इसको खर्चे के नजरिए से देखना चाहिए। और इसलिए क्या इसे सस्ता जीवन बीमा कह सकते हैं? ये सस्ता इसीलिए है और क्योंकि ये प्लेन इन लाइफ इंश्योरेंस है। आमतौर पे लोग इसको हर एक इंश्योरेंस किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से जुड़ा होता है, और उससे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सा कवरेज आपको शुरुआत में जरूरत होती है और वो यही पूरा कर सकता है। तो इसमें कितना टर्म, कितने टर्म होने चाहिए, कितने साल के लिए लेना चाहिए आमतौर पर, और कितना पैसे का हमें ये इंश्योरेंस कराना चाहिए? इसमें आपके पास करीब करीब, इसका कोई ग्राउंड रूल नहीं है, लेकिन करीब करीब अगर आपकी आमदनी जो भी है या आपके परिवार की जो भी ज़रूरत है उसके कम से कम 10 साल की आमदनी हो तो एक बड़ा सा पूंजी मिलेगा। लेकिन ये बदल सकता है, अगर आपके पास होम लोन भी लिया हुआ है तो उस रकम को भी जोड़ दें, कोई दूसरा अगर आपके पास लायबिलिटी है तो उसको भी जोड़ लें, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ और आपके परिवार को पैसा भी मिला, लेकिन अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, वो घर चला जाए तो वो एक बहुत बड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो उस घर, वो होम लोन को प्रोटेक्शन करने के लिए भी टर्म इंश्योरेंस में कुछ प्रावधान हो सकते हैं? जी हाँ, नहीं, एक तो सीधे जब आप मकान, अगर आपने होम लोन लिया है तो उस रकम को जोड़ दीजिए टर्म इंश्योरेंस के कैलकुलेशन के लिए। लेकिन मकान खरीदने के साथ एक टर्म लोन अलग से मिलता है कि जैसे जैसे आप होम लोन रिपे करते जाएंगे वो टर्म लोन का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि टर्म का क्या चक्कर है, टर्म मतलब कितने साल के लिए आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो आप ये 25-30 साल के लिए ले सकते हैं और ये सस्ते में मिल रहा है अगर आप जल्दी लेंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात तय हो गई धीरेन्द्र आपसे, आपकी बात से, कि हमें ये लेना ही लेना है टर्म इंश्योरेंस, और इसमें इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। बिल्कुल, इसको लेना ही लेना चाहिए, बल्कि ये निवेश से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में आपके पास कोई पूंजी इकट्ठा नहीं होती है जी। और उस समय आपके परिवार को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है तब ये मत लीजिए। अच्छा, हाँ, तो अब कोई अगर आपके पे डिपेंडेंसी नहीं है किसी की तो मत लीजिए, ये खर्च बेकार जाएगा, फिर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक और इसमें बात ध्यान रखनी है एज की, क्योंकि जल्दी आप खरीद रहे हैं तो आपको सस्ते में इंश्योरेंस मिल रहा था, बाजार के कुछ रेट्स जो हैं, जो दरें हैं बाजार की, वो आपको बता देते हैं, फिर धीरेन्द्र से सवाल पूछेंगे कि आपके लिए क्या सही है। तो अगर हम बाजार में इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लेने चलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ही होता है एक तरह का, 18 साल की उम्र वाले व्यक्ति को सिर्फ 400-500 रुपए में ये 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है हर महीने, अगर वो देने को तैयार है। 25 साल के लिए भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है उस रेट में, अगर आप 25 साल के हैं अभी भी तो आप ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस जल्दी। 30 साल के व्यक्ति के लिए ये दर और बढ़ जाती है, 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए उन्हें 550 रुपए हर महीना देने होंगे, और अगले 25 साल का प्रोटेक्शन है ये। अगर आप 40-50 साल के लिए और ले रहे हैं तो फिर आपको शायद ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, 35 साल वाले को 700 रुपये और 40 साल वाले को 1000 रुपये महीना खर्च करना पड़ेगा 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए। और यही बात समझ में आ रही है धीरेन्द्र, कि जल्दी शुरुआत करें, जैसे हम कहते हैं कि निवेश की जल्दी शुरुआत करें, तो निवेश के पहले के 5 मंत्र आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले ये जल्दी शुरुआत करें जी, और इसको डिसिप्लिन तरीके से पे करते रहें जी, और जब आपके पास पूंजी इकट्ठा हो जाए तब आप इसको ना लें। टर्म इंश्योरेंस में क्या किसी बड़ी बीमारी से प्रोटेक्शन या एक्सीडेंट हो जाए उस तरह की बातों का भी ध्यान रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल फीचर है टर्म इंश्योरेंस। आपको एक छोटी रकम में एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस मिल पाता है और कम उम्र में और सस्ता मिल पाता है जी। लेकिन इसके साथ दो एडिशनल राइडर है जो कि इसके ऊपर से आप ले सकते हैं, डिजेबिलिटी, कि अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको इसका तो एक बड़ी रकम मिल पाती है। जीवन बच जाए लेकिन कोई बड़ा हादसा हो जाए, बड़ा हादसा हो जाए तो ये मिलेगा, शरीर खराब हो जाए, इस तरह की
और इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी हो जाए, क्रिटिकल इलनेस, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है उससे, और उससे आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर इसके वजह से आपकी वित्तीय स्थिति अगर खराब हो जाती है तो उसका प्रावधान है। तो टर्म इंश्योरेंस में जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें ये भी फायदा है, एक्सीडेंट या क्रिटिकल इलनेस यानी बीमारी या विकलांगता से जुड़े भी आप राइडर ले सकते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को ये हमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो लेना है, लेकिन उसकी जो मंथली हमें पेमेंट करना है या क्वार्टरली पेमेंट करना है वो हमें अगर गड़बड़ा जाता है, अगर हम पैसा देना बंद कर दें, लैप्स बंद कर दें, तो क्या ये इंश्योरेंस बंद हो जाता है? जी हाँ, ये इंश्योरेंस बंद हो जाएगा और इसलिए ज़रूरी है, लेकिन अब ये काफ़ी आसान हो गया है। पहले होता था कि आपको प्रीमियम जाके खुद जमा करना है या बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाके पैसा जमा करना है या चेक लिखना है, कभी डेबिट हुआ कभी नहीं हुआ, एक्सपायर हो रहा है पैसा नहीं देने की वजह से। अब ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, आप ऑटो डेबिट का इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपके बैंक खाते से पैसा हमेशा हर महीने निकल जाता है। तो इस वजह से, इस टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट की वजह से ये काफ़ी आसान हो पाया है कि आपके नेग्लिजेंस के वजह से अब ये इंश्योरेंस आपका एक्सपायर नहीं करेगा। बिल्कुल, कल ही मैं अपने दफ्तर में दीपशिका के साथ लंच कर रहा था और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 20 साल की उम्र में सस्ते में टर्म इंश्योरेंस खरीद लिया, लेकिन उनके पति ने अब जब 30 की उम्र में 35 की उम्र में जब उन्होंने इंश्योरेंस खरीदा तो उन्हें बहुत महंगा मिला। तो एक बात हमने 5 मंत्रों में से एक सीख ली है कि टर्म इंश्योरेंस करना जरूरी भी है और जल्दी करें तो उसका फायदा और हो सकता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।